इज द थर्ड क्लास ऑफ प्रोबेबिलिटी, तो हम लोग थर्ड क्लास स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले तुम लोग जो दो क्लास हो गया है वो दो क्लास पहले देख लो, मतलब ये वाला चैप्टर, ये वाला पार्ट समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला हुआ पर हम लोग पहले ही डिस्कस कर लिए थे, आप जो जो थ्योरी था आप डिस्कस कर लिए थे। तो आज का पोर्शन में हम लोग एग्जाम्पल का कुछ सम होम डिटेल्स में चर्चा करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट क्लास से हम एक्सरसाइज में भी जाएंगे। ठीक है, तो एक एक करके करते हैं। तो एग्जाम्पल वन पहले कर लेते हैं, यहाँ पर क्या कहा गया है, ए बी सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो ए बी सी अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हुआ एंड एग्जॉस्टिव दोनों, अब एग्जॉस्टिव और एक्सक्लूसिव दोनों अगर एक साथ होता है तो क्या होता है, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी इक्वल टू वन, ऐसा फॉर्मूला था। बट यहाँ पर क्या है, तीनों है, ए बी सी है, तो इसके साथ और एक आ जाएगा। ठीक है, पहले वाला जो पीडीएफ था वहाँ पर मैंने डिस्कस कर दिया था, जो पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी प्लस ए वाला पी ऑफ सी होगा तो इक्वल टू वन आएगा। तो देखो यहाँ पर दिया हुआ है पी ऑफ बी दिया हुआ है, पी ऑफ सी दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, ए बी सी है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, सिंस एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव तो हम इस लाइन पर आ सकते हैं देख ले भी, या तो ऐसे ही करके आ जाएंगे। अब पी ऑफ ए, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी प्लस पी ऑफ सी कैसे निकालेंगे, तो अब देखो ए बी सी, अब पी ऑफ ए का वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, पी ऑफ बी का वैल्यू भी यहाँ से निकाल लेंगे, बैठा के पूरा पी ऑफ सी में कन्वर्ट कर लिए हम लोग। ठीक है, अब उसके बाद कैलकुलेट करेंगे पी ऑफ सी, उसके बाद हम इसको लिख देंगे, तो पी एफ सी निकल गया तो पूरा जो पार्ट था वो भी निकल जाएगा। ठीक है, क्लियर है, ओके। अच्छा, तो नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। ओके, अब नीचे चलते हैं, कैलकुलेशन वाला जो पोर्शन का जो पार्ट है वो लोग हम नेक्स्ट इसी क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इसको नहीं, हाँ इसे स्टार्ट करेंगे तो समझने में आसानी होगा। ठीक है, थोड़ा छोटा कर ले, एक ही स्क्रीन पे आ जाएगा, देखने में भी आसानी होगा। अच्छा देखो यहाँ पर क्या कहा गया है, ओके अब ये वाला मैप देख लेते हैं। इस मैप में क्या है,
यहाँ पर क्या कहा है, ए नंबर इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द फर्स्ट 50 पॉजिटिव इंटीजर। तो पहले फर्स्ट 50 पॉजिटिव इंटीजर्स इंटीजर क्या है मेरा 150 तक है। अब फाइंड द क्वालिटी दैट चूजन नंबर इज डिविजिबल बाय 4 और 5। ये जो और वाला क्वेश्चन है मतलब इसमें क्या आएगा, यूनियन आएगा, मतलब मुझे क्या चाहिए, दो टर्म चाहिए। एक है फाइंड द क्वालिटी ऑफ प्रॉबलिटी दैट चूजन नंबर इज डिविजिबल बाई 4। डिविजिबल बाई 4 इसके लिए हमें एक इवेंट पकड़ना पड़ेगा, तो इसलिए कोई भी इवेंट ए पकड़ लेते हैं और बी, ये जो डिविजिबल बाई 5 है इसके लिए और एक इवेंट पकड़ लेंगे बी इवेंट। ठीक है, अब मुझे तब क्या चाहिए, बीच में क्या है, यूनियन है, मतलब ऐसा। तो मुझे क्या चाहिए, प्रॉबलिटी ऑफ ए यूनियन बी चाहिए। ए के डिविजिबल बाई 4 जो इवेंट है उसको मैंने ए पकड़ा है, डिविजिबल बाई 5 जो इवेंट है उसको ये मैंने बी पकड़ा है, और बीच में और ही मतलब यूनियन, मतलब ये हमारा टारगेट है। क्लियर हुआ, ये हमारा टारगेट है। अब देखो डिविजिबल बाई 4 एंड इसका फॉर्मूला है हमारे पास क्या है, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तब मुझे पी ऑफ ए चाहिए, ए क्या है, ये है डिविजिबल बाई 4। अब 1 से 50 तक जो नंबर है उसमें डिविजिबल बाई 4 कितना नंबर है, 4 से डिवाइड करो, देखो 12 आएगा, क्योंकि 12 इंटू 48 होता है। ठीक है, तो 12 नंबर आएगा, मतलब 12 बाई कितना नंबर नीचे, 12 नंबर कितना है 50। ठीक है, प्लस पी ऑफ बी, बी क्या है 5 से डिविजिबल, मतलब कितना है 50, मतलब 10 बाई 50 माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए और बी माने 4 एंड 5, इंटरसेक्शन मतलब एंड, तो 4 एंड 5 दोनों से डिवाइड होगा, तो 4 एंड 5 दोनों का एलसीएम क्या होता है 20। तो 20 का मल्टीपल जो होता है वो मुझे चाहिए, या पर कितना है 50 तक, 20 का मल्टीपल कितना है 2 2 बाई 50। अब इसको कैलकुलेट किया जाए तो बाकी का आ जाएगा। क्लियर है, देखो यहाँ पर नीचे वो किया गया है, अगर तो नीचे चलते हैं, ये देखो ठीक है, कैलकुलेट कर लिए, कंप्लीट हो गया। ओके ठीक है, तो ये हमारा गया 40 नंबर क्वेश्चन। अब और कुछ करते हैं, ऐसा ही एक मैथ कर लेते हैं, सबसे इंटरेस्टिंग है। देखो क्या कहा गया है, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग ए प्रॉब्लम बाई 3 स्टूडेंट। ये वाला मैथ को अच्छी तरीके से समझ लेना, इससे ही हमें ज़्यादा से ज़्यादा मैथ करना है। ये वाला प्रॉब्लम जो है, सो दैट इज, ये वाला प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है सब लोगों के लिए। इसको अगर समझ लिए तो तुम 30% मैथ इस चैप्टर का कंप्लीट हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग ए प्रॉब्लम बाय 3 स्टूडेंट ए बी सी, मतलब जो ए वाला बंदा है वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, इसका प्रोबेबिलिटी कितना है, चांस या प्रोबेबिलिटी कितना है 3/7। तो मतलब मुझे क्या क्या पकड़ना पड़ेगा, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ए बी सी तीनों आदमी हैं, तो ए कोई इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएगा तो वो वाला एक इवेंट पकड़ना पड़ेगा। तो बुक में जैसा लिखा हुआ है उसको हम लिख लेते हैं। बुक में ए वाला जो बंदा है वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकेगा, उसका जो इवेंट है उसको हम एक्स पकड़ लेंगे। बी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएगा उसका इवेंट को वाई, एंड सी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएगा उसका इवेंट को हम जेड पकड़ लेते हैं। तब ये 7 3/7 क्या है, ए प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, और एक्स मैंने क्या पकड़ा है, जो ए प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा उसका इवेंट ए है, मतलब एक्स जो इवेंट है उसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा, इट इज 3/7। ये क्लियर हुआ, या फिर से कहें ये वाला जो बंदा है वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएगा, वो वाला इवेंट मैंने क्या पकड़ा है एक्स,
अब यहाँ पर 3/7 क्या है, जो ए सॉल्व द प्रॉब्लम, सो मतलब एक जो इवेंट है उसका प्रोबेबिलिटी यहाँ पर दिया हुआ है। सिमिलरली 3/8 नेक्स्ट वाला क्वेश्चन का दिया हुआ है और ये वाला दिया हुआ है। अब इफ ऑल ऑफ देम आर इंडिपेंडेंट, मतलब क्लियरली यहाँ पर कहा गया है जो यार इंडिपेंडेंट, मतलब कहीं पर भी अगर ऐसा कुछ आया, मतलब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी अगर आया, तो वहाँ पर ऐसे हम लोग उसको तोड़ पाएंगे। ठीक है, अच्छा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम कुड बी सॉल्व बाई वन स्टूडेंट ऑनली, मतलब एक ही से होगा। अब देखो ए बी सी तीनों कोशिश कर रहा है, एक ही से होगा, मतलब वो एक वाला कौन सा हो सकता है, कौन हो सकता है, ए हो सकता है या तो बी हो सकता है या तो सी, बट जब ए कर पाएगा मैथ तब बी और सी नहीं कर पाएगा, क्योंकि ओनली वन स्टूडेंट कहा गया है, मतलब ए अगर सॉल्व करके एट दैट टाइम बी एंड सी नहीं कर पाएगा तो उसको हम कैसे लिखेंगे, मतलब ए अगर कर पाया तो उस टाइम में बी एंड सी क्या नहीं कर पाएगा, मतलब इन दोनों के ऊपर कॉम्प्लीमेंट होगा। बट यहाँ पर मैंने गलत लिखा है क्योंकि इवेंट मेरा ए बी सी नहीं है, इवेंट मेरा एक्स वाई एंड जेड है, सो एक्स वाई एंड जेड से लिखना पड़ेगा। अब पहले वाला केस ए कर पाया तो बाकी दोनों नहीं कर पाएगा, एक केस है। केस टू क्या है, एक्स वाई जेड, अब वाई कर पाएगा बाकी दोनों नहीं कर पाएगा, ऐसा एक केस आएगा। और एक केस क्या आएगा, एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जेड, मतलब जेड कर पाएगा बाकी दोनों नहीं कर पाएगा। देखो इसमें एक्स कर पाया, इसमें सिर्फ ओनली वाई कर पाया, इसमें सिर्फ ओनली जेड कर पाया। अब मुझे क्या चाहिए था, ओनली वन स्टूडेंट, बट उसको मेंशन नहीं किया गया है, मतलब फर्स्ट वाला केस भी हो सकता है या सेकंड वाला केस या तो थर्ड वाला केस, तो दिस और दिस और दिस और मतलब यूनियन, मतलब मुझे इस इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकालना है, इस मतलब दिस इसका प्रोबेबिलिटी निकालना है। क्लियर हुआ, मतलब जो पहले वाला केस हुआ, जो सेकंड वाला केस हुआ, थर्ड वाला केस हुआ, उसका यूनियन को निकालना है। क्लियर, अब देखो ठीक है, हम नीचे चलते हैं। ये देखो जो जो हम कह रहे थे वो यहाँ पर लिखा हुआ है, कर्सर दिख रहा है। अब क्या होगा, इसका कैलकुलेशन करना है। ओके, तो कैलकुलेशन वाला पोर्शन हम कर लेते हैं, एक काम करो तो छोटा करते हैं। ऊपर क्या हुआ है बट हम देखेंगे नहीं, क्योंकि पहला वाला मैथ है, हम सीखेंगे इसको कैसे करते हैं, तो साइड में कर लेते हैं। देखो इसका तो पी ऑफ डी क्या आएगा, पी ऑफ सेकेंड ब्रैकेट से ये टोटल आएगा, दिस यूनियन दिस यूनियन दिस। अब ए यूनियन वाला क्वेश्चन देखो, पहले वाला केस जब होगा, जब ए जो मैथ कर पाएगा एट दैट टाइम, ये सेकेंड वाला केस नहीं होगा, सेकेंड वाला केस मतलब बी भी कर पाए होगा नहीं, मतलब एक साथ ये दोनों पॉसिबल नहीं है, ये तीनों भी पॉसिबल नहीं है, मतलब फर्स्ट केस हुआ तो सेकंड केस या थर्ड केस एट दैट टाइम पॉसिबल नहीं है, दैट मीन्स दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। मैंने कहा था जैसे रात दिन होता है, रात अगर हुआ एट दैट टाइम दिन नहीं हुआ, तो ऐसा अगर कोई केस आया तो वहाँ पर क्या होता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता है, मतलब इन दोनों इवेंट का बीच में कुछ कॉमन नहीं है, मतलब ये दोनों इवेंट एक साथ पॉसिबल नहीं है, मतलब एक जब कर पाएगा वाई जेड नहीं कर पाएगा, ए वाला केस और ये सेकंड वाला केस एक साथ पॉसिबल नहीं है, सो इन दोनों के लिए तब ए वाला म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है, तो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव में क्या होता है, प्रोबेबिलिटी प्लस में तोड़ता है, मतलब पहले वाला जो तुम्हारा केस है एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जेड कॉम्प्लीमेंट टू, वहाँ पर उन लोगों ने सी से लिखा है, मैंने डेस डेस दे सकता हूँ हम, तो एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जेड ये वाला सब प्लस में तोड़ेगा। ओके क्लियर, ओके। अब ये तीनों क्या है, हम लोगों को पता है एक्स वाई आर इंडिपेंडेंट
इम्प्लाई करेगा क्या? तीनों कंडीशन इम्प्लाई करेगा। क्या क्या कंडीशन है? कंडीशन ये, एक नंबर पॉइंट, एक्स डैश एंड वाई आर इंडिपेंडेंट, नंबर टू एक्स एंड वाई डैश आर इंडिपेंडेंट। इसका थ्योरी भी है, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत आता है। ठीक है, तो और तीन नंबर है, अगर एक्स एंड वाई ये दोनों इंडिपेंडेंट है, तो एक्स बार एंड वाई बार आर ऑल्सो इंडिपेंडेंट, ये हम लोगों को पता है। ठीक है, क्लियर, ओके। तो यहाँ पर देखो, ये तीनों क्या है, इंडिपेंडेंट है, मतलब ये तीन नंबर वाला जाएगा, या तो इसको, तो ये तीन इंडिपेंडेंट है, तो मतलब ये दोनों कैसे तोड़ेगा, दिस इंटू दिस इंटू दिस, सिंपल प्लस पीछे वाला, इसके बाद ए वाला पोर्शन, वो भी ऐसे तोड़ेगा, पी ऑफ एक्स बार इंटू पी ऑफ वाई पी ऑफ प्लस ये वाला भी तोड़ेगा। ठीक है, अब हम ऊपर चलते हैं, देख लेते हैं हम लोगों ने सही सीखा या नहीं। चलते हैं, ए दिख रहा है, परसों दिख रहा है, तो थोड़ा बड़ा कर देते हैं। अब देखो, वैसे प्लस में तोड़ तोड़ा गया है, यहाँ पर यूनियन था, उसके बाद यहाँ पर आ गया, प्लस में तो दिया, सिंस दिया म्यूचुअली एक तरह से, मैंने कहा था। अब ये तीनों कैसे तोड़ेगा, दिया इंडिपेंडेंट, तो इंटू में तोड़ जाएगा। यहाँ पर देखो, एक्स वाई जेड, एक्स कंप्लीमेंट वाई कंप्लीमेंट जेड कंप्लीमेंट था इंडिपेंडेंट, ठीक है, तोड़ दिया, बाकी का काम कैलकुलेशन कर लिया, बैठा दिया, क्लियर है। चलो, ये वाला भी हो गया हमारा, कौन सा, सिक्स नंबर, सेक्शन वाला भी हो गया। ठीक है, अब मिक्स करते हैं, कौन सा करें, समझ में आया ना, इतना जितना समझाया हमने, कोशिश किया है मैंने तो। अच्छा, उसके बाद आते हैं कोई और एक इंटरेस्टिंग मैथ में, ये वाला बहुत इंटरेस्टिंग है, अच्छा लगेगा। 19, अब तुम लोग सोच सकते हो क्यों 18 को छोड़ दिया, 17 को छोड़ दिया, करेंगे, बट मुझे बेस तुम लोगों का क्लियर करना है, कौन सा मैथ के बाद कौन सा मैथ करेंगे तो बेस ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, तो ये वाला 19 वाला क्वेश्चन देख लो, यहाँ पर क्या कहा गया है, बॉक्स 1 2 3 जो है, 2 3 कंटेन 4 3 एंड 3 रेड बॉल कहा गया। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पर कर लेते हैं, एक काम करें, कलर को जरा चेंज कर लें, ठीक था, चलो थोड़ा छोटा कर दो, थोड़ा छोटा, तो मुझे साइड में जगह मिल जाएगा। ठीक, अब देखो क्वेश्चन, तुम लोग, तुम्हारे पास बुक है, तुम लोग देख लो, एग्जांपल 19 में देख लो, बॉक्स वन कंटेंट कितना, बॉक्स वन, बॉक्स वन जो है वो क्या कंटेंट कर रहा है, या फिर बॉक्स वन लिख लेते हैं, या फिर बॉक्स टू। अब बॉक्स वन में कितना है, दिस इज वन, दिस इज टू,
बॉक्सर में क्या है, फोर वाइट्स, थ्री रेड्स एंड थ्री ब्लू। बॉक्स टू में क्या है, फाइव वाइट्स, फोर रेड्स एंड थ्री ब्लू। अब क्वेश्चन क्या है, इफ वन बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम ईच बॉक्स, मतलब यहाँ से भी एक बॉक्स बॉल उठेगा, यहाँ से भी बॉल उठेगा। अब देखो इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, पिक्चर में कोई कनेक्शन है नहीं है, तो दिस इज इंडिपेंडेंट, क्लियरली ये इंडिपेंडेंट कमेंट है, याद रखना है। क्यों? बिकॉज दे आर नॉट कनेक्टेड, दोनों बॉक्स कनेक्टेड नहीं है, सो इंडिपेंडेंट होगा। अब व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बॉल्स आर सेम कलर, मतलब पूरा जो मैथ है उसमें क्या कहा गया है, उसमें कहा गया है कि हर एक से एक एक बॉक्स वन बॉक्स टू दोनों से एक एक करके बॉल मतलब उठा लेंगे। अब जो तो बॉल उठेगा, मतलब यहाँ से एक बॉल उठेगा फर्स्ट बॉक्स से, यहाँ से एक बॉल उठेगा सेकंड बॉक्स से, ये जो दो बॉल आएगा दो सेम कलर का होगा, तो इसका प्रोबेबिलिटी मुझे चाहिए, ठीक है। तो सेम कलर का होगा मतलब क्या क्या कंडीशन हो सकता है, पॉसिबल केसेस क्या हो सकते हैं, हो सकता है दोनों ही वाइट हो, बुक यहाँ से भी फर्स्ट बॉक्स से भी वाइट आए, सेकंड बॉक्स से भी वाइट आए, ऐसा हो सकता है थर्ड बॉक्स से भी सेकंड दोनों ही रेड हो या दोनों ही ब्लू हो, मतलब क्लियर हुआ, तो ऐसे ही करेंगे। चलो कल तब कर लेते हैं, अगर दोनों ही व्हाट वाइट हुआ तो हम कैसे लिखेंगे, तो हम एक इवेंट पकड़ लेंगे, यही सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इवेंट पकड़ना। तो दोनों ही व्हाइट हुआ तो पहले बॉक्स से व्हाइट बॉल, सेकंड बॉक्स से भी व्हाइट बॉल उठेगा, एक केस आएगा, पहले बॉक्स से रेड बॉल, सेकंड बॉक्स से रेड बॉल, एक केस आएगा, और थर्ड बॉक्स से ब्लू बॉल, सॉरी सेकंड बॉक्स फर्स्ट बॉक्स से ब्लू बॉल, सेकंड बॉक्स से ब्लू बॉल, ऐसा आएगा। बट डब्ल्यू और डब्ल्यू इसके बीच में इंटरसेक्शन आएगा, पहले से भी व्हाइट सेकंड से भी व्हाइट बॉल, एक केस होगा, बट इससे तो पता नहीं चल रहा है जो ये पहले वाला डब्ल्यू ये कौन सा बॉक्स आया है, तो दैट्स वाई हम यहाँ पर सफिक्स यूज करेंगे। डब्ल्यू वन मतलब एक इवेंट, डब्ल्यू वन इवेंट क्या है, जो ए वाइट बॉल ड्रॉन फ्रॉम फर्स्ट बॉक्स, डब्ल्यू टू क्या है वाइट बॉल ड्रॉन फ्रॉम सेकेंड बॉक्स, क्लियर हुआ फर्स्ट केस, सेकेंड केस पहले से रेड बॉल, सेकेंड से भी रेड बॉल, ये वाला केस हो सकता है, या तो पहले से ब्लू बॉल, सेकेंड से ब्लू बॉल, एक केस हो सकता है। देखो ये तीनों केस का विदा और कोई केस होगा नहीं, तो इन तीनों केस में से कोई एक ही एक केस अगर हुआ तभी हो जाएगा हमारा सेम बॉल जो चाहिए, सेम कलर बॉल, तो दोनों व्हाइट या दोनों जो जो केस होगा उस केस को पहले हमें लिख लेना है। तो ये वाला केस और ये वाला केस और ये वाला केस, मतलब दिस यूनियन दिस यूनियन दिस, आई थिंक इतना तक क्लियर है। अब देखो दोनों वाइट जब उठेगा तब उस डेट टाइम दोनों रेड नहीं उठेगा, मतलब दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, मतलब यूनियन वाला जो पोर्शन है वो हमारा उसके बाद प्लस, जब प्रोबेबिलिटी लगाएंगे हमारा प्लस में तो जाए, ठीक है। अब देखो दे आर नॉट कनेक्टेड, मतलब अब तुम्हारे पास क्या है ये वाला लाइन पी ऑफ डब्ल्यू वन इंटरसेक्शन डब्ल्यू टू, ऐसा लाइन है। अब देखो डब्ल्यू वन मतलब पहले बॉक्स से वाइट बॉल, डब्ल्यू टू मतलब सेकेंड बॉक्स से वाइट बॉल, बट दे आर दो बॉक्स जो है वो दोनों आर नॉट कनेक्टेड, सो दे आर इंडिपेंडेंट, सो यहाँ पर भी ये दोनों इंडिपेंडेंट में तो देगा डब्ल्यू वन इंटू डब्ल्यू। अब डब्ल्यू वन कितना है वो कर लेते हैं एक बार, ठीक है। हम जस्ट सिर्फ ये वाला जो पार्ट है उसको उठा के यहाँ पर क्लियरली दिखाएंगे, बट ऐसा नहीं चलेगा, हमें यहाँ पर जैसे किया हुआ है ऐसे ही करना पड़ेगा। तो डब्ल्यू वन क्या है, डब्ल्यू वन मतलब पहले में व्हाइट बॉल कितना था फोर, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितना है टेन, सेकंड में व्हाइट बॉल कितना है फाइव, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितना है ट्वेल्व। अब इसको कैलकुलेट कर लेना तो कर ही पाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है ओके, तो आज इतना तक ही रखते हैं।
नेक्स्ट, ये दोनों मैं अच्छी तरीके से समझ लिए, तीनों हो गया ठीक है। अब इन तीनों को यूज करके हम कौन सा मैथ कर पाएंगे, कौन सा मैथ कर पाएंगे वो देख लेते, थोड़ा टाइम लेंगे प्रोबेबिलिटी में, क्योंकि प्रोबेबिलिटी अच्छी तरीके से सीखने के लिए थोड़ा टाइम लेना पड़ेगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी सिर्फ एक चैप्टर है, तो उससे ज़्यादा मैथ आएगा तो इसलिए हम अच्छी तरीके से एक एक करके जाएंगे। सिर्फ एक्सरसाइज का होमवर्क दे देते हैं। अच्छा, ये वाला भी अभी कर पाओगे, शायद जरूर कर पाओगे। 31 ये तुम्हारा होमवर्क होगा, 31 वाला कर लेना, अगर नहीं हुआ तो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। अब कौन सा मैथ इतने से होगा, ज़्यादा होगा नहीं बट फिर भी ये जो हो जाना चाहिए। इसे से बाद में करेंगे ठीक है, इसे से बाद में करेंगे। तुम लोग 32 ये वाला एक नंबर जो मैथ है इसको कर सकते हो, ये तुम्हारा होमवर्क रहेगा ठीक है। और कौन सा रहेगा, और कौन सा रहेगा, ये वाला 22, ये तीनों हो जाना चाहिए। ओके देखिए, अच्छा और कौन सा देख लेते हैं, यहाँ पर जो 20 का वन है ये वाला तुम लोग कर पाओगे, कोशिश करना ठीक है। 15 का वन हो जाएगा, 15 का टू भी हो जाएगा। यहाँ पर जो जो मैंने कहा गया है, मैंने कहा है इतना हो जाना चाहिए ठीक है, इतना होमवर्क कर लेना, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में लगेगा चार पांच क्लास तो लगेगा ठीक है। हम एक सब हफ्ता में दो तीन क्लास करने का कोशिश करेंगे ठीक है। चलो आज इतना तक रखते हैं, बहुत टाइम भी हो गया, 12 बज गए 24, मेरी क्रिसमस। ओके थैंक यू।